दिल्ली के महरौली में अतिक्रमण के खिलाफ डीडीए द्वारा की जा रही तोड़फोड़ की कार्रवाई स्थानीय लोगों के भारी विरोध के बाद लगातार चौथे दिन भी सोमवार को जारी रही। भारी पुलिस बल के साथ आए डीडीए के दस्ते ने तोड़फोड़ वाली जगहों से लोगों को जबरन बाहर निकाल दिया और फिर हथौड़ा और बुलडोजर चलाकर उन्हें ढा दिया। जानकारी के अनुसार कुछ महिला प्रदर्शनकारियों को अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान तैनात पुलिस कर्मियों पर कथित तौर पर लाल मिर्च पाउडर फेंकने के बाद रविवार को हिरासत में लिया गया था। बता दें कि डीडीए महरौली पुरातत्व पार्क क्षेत्र में अतिक्रमण विरोधी अभियान की कार्रवाई कर रहा है। डीडीए अधिकारियों के अनुसार दक्षिणी दिल्ली के पुरातत्व पार्क में आयोजित होने वाली G20 बैठक से एक महीने पहले यह कार्रवाई 9 मार्च तक चलने वाले विध्वंस अभियान के तहत की जा रही है। नोटिस के अनुसार जिस भूमि पर विध्वंस किया जा रहा है वह महरौली पुरातत्व पार्क का हिस्सा है और मौजूदा अनाधिकृत अतिक्रमण महरौली पुरातत्व पार्क के विकास में बाधा के रूप में कार्य कर रहा है। विशाल पार्क ऐतिहासिक स्मारकों से भरा हुआ है जबकि यह क्षेत्र डीडीए के अंतर्गत आता है। विरासत संरचनाओं का रखरखाव ASI द्वारा किया जाता है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा है कि ASI महरौली पुरातत्व पार्क में G20 बैठक के लिए भी जोरों से काम कर रहा है जिसे मार्च की शुरुआत में आयोजित करने की योजना है। खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।